ऑगस्ट की बात है। आई बेसिकली थॉट ऑफ रिएक्टिंग टू सीता सिंग्स द ब्लूज। एक आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इज डेफिनेटली नॉट एन अडैप्टेशन। इट माइट बी अ कॉमेंट्री, एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। इट माइट बी लाइक यू नो अ रिवर्स अंडरस्टैंडिंग। बट द वन थिंग दैट हैपेंड इज कि व्हेन आई जस्ट सॉ द मूवी, अगर टाइम्स नॉर्मल होते तो कुछ नहीं लगता, लेकिन अभी टाइम्स थोड़े से सेंसिटिव है, उस वजह से हो ये रहा है कि जितना भी मैं बोलूँ कम हो रहा है। एंड उसके बाद बहुत कुछ जो मैं बोलना चाहती हूँ या बहुत कुछ जो मैं बोल चुकी हूँ, इट फील्स एज इफ आई एम यू नो रिपीटिंग द सेम स्टफ। लाइक आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज़ यू नो 5 year old। बिकॉज एनी टाइप ऑफ कॉमेंट्री और एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट और एनी टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आई पुट फोर्थ इज डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट समवन ऑर द अदर, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट आई इंटेंड टू डू एट ऑल थ्रू आउट द वीडियो। अब मैंने उसका जो रिएक्शन था वो मैंने दूसरे चैनल पर डाला हुआ है, उसका एक प्ले लिस्ट है छोटा सा, यू माइट बी एबल टू सी द लिंक हियर। एंड जो बहुत सारी मेरी बातें थी जो मैं एज अ कंक्लूजन प्लेस करने वाली थी, वो मैं यहाँ पे अलॉन्ग विद अदर एस्पेक्ट्स दैट आई ऑब्जर्व्ड इन द वीडियो आर समथिंग दैट आई विल प्लेस हियर। एंड यस, एस्टोनिशिंगली, मतलब काफ़ी और लोगों के लिए एस्टोनिशिंग होगा, लेकिन मेरे लिए द क्लोजेस्ट दैट आई कुड रिलेट रामायण और if to be more specific the questions that Sita sings the blues as a commentary on the Ramayan raises is related to Arki. What type of Arki aap video mein aage dekh payenge. Nina Paley very smartly studied. उन्होंने सिर्फ संपूर्ण रामायण वाल्मीकि जी की नहीं पढ़ी, उन्होंने और भी बहुत सारे कॉमेंट्रीज और भी बहुत सारे जो अडैप्टेशंस उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की है, आई एम प्रिटी श्योर। और मेरे ख्याल से उन्होंने इनडायरेक्टली मूवी के एंड में दिखाया भी है कि उन्होंने कौन से बुक्स यूज किए। अनदर थिंग इज स्टार्टिंग में जहाँ पे अटकता है ना अ वुमन लाइक मी, वहाँ पे अटकता है राइट, यही पे सवाल होता है कि अ वुमन लाइक मी मतलब एग्जैक्टली व्हाट, कि आप मुझे किस तरीके से देख रहे हो। आर यू लुकिंग एट मी एज अ वुमन लाइक मी हु एंड्योर्ड ऑल द पेन ऑल द सफरिंग, और आर यू लुकिंग एट मी एज अ वुमन लाइक मी ओ माई गॉड द वर्ल्ड जस्ट थ्रू शिट अहेड, और अ वुमन लाइक मी हु वॉज विलिंग टू टेक ऑल दी पेन जस्ट सो दैट यू नो पब्लिक परसेप्शन ऑफ दी हजबेंड इज सेव, और अ वुमन लाइक मी हु प्रेफर्स अनकंडीशनल लव ओवर यू नो सेल्फ ओवर हर सेल्फ एस्टीम और ओवर हर यू नो इंडिविजुअलिटी। सो है बहुत सारे पहलू है, बट एक चीज जो उन्होंने सीता मैया के बारे में बहुत एक्यूरेटली दिखाई वो थी द अनकंडीशनल लव she had for not only her husband but also for her you know for the entire Ayodhya Rajya. Dusra factor jo maine bahut gehrai se dekha that unhone kafi perfectly diya hai, unki jo unki zindagi jeete rehne ki jo chaah thi, unki zindagi mein aage badhte rehne ki jo chaah thi, unka gum endure karne ka ya you know dukh sehne ka unki jo shamata thi commendable. That is the exact thing that has been converted into blues. इसको बहुत सटीक तरीके से उन्होंने ऐड किया। The only difference is उन्होंने rather than taking a very Bollywoodized version or a very classical Indian classical version, उन्होंने उठाया Western classical version which is the blues. The blues were songs that were sung by the West, the Americans especially. अगर आप जो darker population है या जो whiter population है, अगर आप उनको भी consider करो, they did use this blues to express the pain that they had, the suffering that they had. काफ़ी सारे पुराने इंडियन गानों में भी आपको ब्लूज जो जॉनर है इसका इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द ब्यूटी लाइज। तो सीता मैया को उन्होंने क्लासिकल गाने देने के बजाय फॉर अ चेंज
वेस्टर्न ब्लूज दे दिए हैं, विच आई डोंट थिंक शुड बी प्रॉब्लमेटिक एंड आई डोंट थिंक दे शुड क्रिएट मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि भाव तो भाव है, चाहे वो पूरब की एक माँ बर्दाश्त कर रही हो या पश्चिम की एक यंग लड़की बर्दाश्त कर रही हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरीके से देखते हो, है ना. और एक चीज, जो तीन तरीके के कैरेक्टर्स हैं जो बैठ के बस डिस्कस कर रहे हैं, एक है काफी मैस्कुलिन, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी स्क्रूटिनाइज्ड फॉर्म, या एक ऐसा फॉर्म जहाँ पे इंसान को उसके सेल्फ एस्टीम से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं होना चाहिए, वो जस्ट सीन कि ये हेल्दी है ये हेल्दी नहीं है. देयर इज अनदर फेमिनिन साइड हु इज प्रोबेबली बीइंग क्वाइट एम्पैथेटिक विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर, और वो समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही है एज टू what the characters might have exactly gone through. और तीसरा एक character है who is someone trying to be historically as accurate as they could. They are just trying to figure out things. अगर कोई एक हंस भी रहा है तो वो एक तीसरा इंसान हंसता नहीं है. They are like that's exactly how it is mentioned. ऐसा लिखा गया है तो ऐसा definitely हुआ ही होगा, right? और best part of this is ये तीनों perspectives को एक character के अंदर fix नहीं किया कि ये character self-esteem वाला है, ये character एम्पैथेटिक है, ये कैरेक्टर हिस्टोरिकली एक्यूरेट है. नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज अ वेरी फ्लोइंग स्पेक्ट्रम कि तीनों जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उन तीनों लोगों में ये तीनों क्वालिटीज है. दैट्स अनदर वंडरफुल थिंग. तो यहाँ पे जो बॉक्सिंग है वो नहीं है, इट्स रियली फ्लूइड. सेकेंड जो टाइप ऑफ एनिमेशन है, वो टाइप ऑफ एनिमेशन में जो एक्चुअल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जैसे वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा गया था, वैसा ही उठा के उसको एनिमेट करके दिखाया गया है. इस वाले टाइप का जो एनिमेशन है, इसमें जो सीन्स आते हैं ना, उन पे फोकस कीजिए. दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट इज सीन, दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट इज स्टडीड, एंड दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. तीसरा जो टाइप ऑफ एनिमेशन है, जो जहाँ पे यू नो सारे कैरेक्टर जैसे राउंड राउंड एनिमेटेड है, दे आर एक्चुअली सिंगिंग एंड डांसिंग अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. कह सकते हो कि वो जो व्यक्त करने का तरीका है वो उतना डीप नहीं है जानबूझ के, क्योंकि वो एक पूरी कहानी बता रहा है और दिन में कहीं ना कहीं ये उस पल का जो वो एक्सप्रेशन है उसको पूरी तरह एलिवेट किया गया है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उनको यही बताना है कि नहीं मेरे जो प्रभु है वो तमाम समस्याओं को सुलझाकर मेरे साथ रहते हैं, अगर यही बॉटम लाइन है ना, प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को वैसे ही करते हुए दिखाया गया है. अगर उनको ये दिखाना है कि नहीं मुझे दिख रहा है कि प्रभु श्री राम मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझसे दूर है, वो मुझसे खफा है, मेरे स्वामी मेरे साथ मेरे स्वामी की तरह नहीं बर्ताव करे, अगर यही एक इमोशन पकड़ा हुआ है तो प्रभु श्री राम को वैसे एनिमेट किया गया है, मैं इतनी बड़बड़ क्यों कर रही हूं. लेकिन हाँ, ये है. तो अगर ये पर्सपेक्टिव अगर आप लोगों को क्लियर हो गए, अगर आपका माइंड उतना ओपन है कि आप देख सकते हो इस तरीके से चीजों को, तो आप इस मूवी को जैसी है वैसे एंजॉय कर सकते हो. बट बिसाइड्स दैट आल्सो, क्योंकि जो कोर टेक्स्ट है या जो हमारे कोर विचारधारा है रामायण, उसी को लेकर इतने लोगों के इतने अलग अलग विचारधारा है ना आज के तारीख में, कि बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझ पाना कि एक्चुअली हुआ क्या था. काफ़ी सारे अलग अलग थेरीज है, काफ़ी सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है, काफ़ी सारे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स है. मतलब मुझे अलग से कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है. आप YouTube पे अगर रिलीजियस कंटेंट या मिस्टीरियस कंटेंट ऐसा देखते हो या स्पिरिचुअल कंटेंट भी अगर देखते हो, आपको मिल जाएगा कि कितने अलग अलग तरीके से रामायण को इंटरप्रेट करेंगे. ये जो पूरा एपिसोड हुआ जहाँ पे सहना सीता माता को पढ़ा, लेकिन सहना प्रभु श्री राम को भी पढ़ा, लेकिन इट वॉज अ टू वे, हम सह लेंगे. ये भी ठीक है. एक और कॉन्सेप्ट जो है फेमिनिज्म के अराउंड, या जिसे बोला जाता है कि फेमिनिज्म जो तैयार हुआ वो इस कारण से हुआ, उस कारण का नाम बोल सकते हो पेट्रियार्की. और स्पेसिफिकली बोलूं तो पता नहीं, जो भी यार किया, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में ऑनेस्टली पेट्रियार्क और मेट्रियार्क दोनों को देखा हुआ है. वो मेल हो या फीमेल हो, इट रियली डजंट मैटर. जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर सेट रूल्स होते हैं. उस रूल के हिसाब से जो एक घर का एक हेड होता है वो डिसाइड करता है कि बाकी सारे मेंबर्स जो है वो उन घर के नियमों को उस तरीके से पाले.
उन नियमों को अपना लाइफलाइन मानकर उसके हिसाब से चले, ना कि उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। अगर इसमें कहीं भी तफावत आती है, कोई भी मेंबर अगर इसके विपरीत है या इसके आगे है या इसके बियॉन्ड है, तो सारा समाज उसके आसपास जो का है वो इंश्योर करेगा कि वो इस सिस्टम को ब्रेक ना करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज पीपल ये जो नियम है ये हमें सीधे चलाने के लिए बने हुए नियम है। बट यही लोग जो है अक्सर ये भूल जाते हैं कि चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और ये भी वो लोग भूल जाते हैं कि हमें अभी तक, आज तक जहाँ पर हमारी युगत से प्रगति आज के तारीख में हो रही है, हमें नहीं पता है कि हमारी जो बुद्धि है या हमारी जो विचारधारा है या हमारी जो आंतरिक, इंग्लिश में बोले तो कॉन्शियसनेस, हिंदी में बोले तो अंतरात्मा, और अगर आप नास्तिक हो तो आपके लिए शब्द है आपके अंदर जो थॉट्स तैयार होते हैं आपकी ब्रेन की अपग्रेडेड वायरिंग की वजह से। ये बहुत मुश्किल है कहना कि आप उन विचारधाराओं को वैसे के वैसे ही आप पीढ़ी अंतर चला सकते हो। हाँ, कुछ मामलों में ये बहुत सही काम करता है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ ये काम नहीं करता। और इसका रामायण में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से कुछ एक पर्टिकुलर नियम होते हैं, जिन नियमों का सामने वाले इंसान पे अगर वो लागू भी नहीं होता, ऊपर से हमें लगता है ऐसे कि हाँ लागू होता है ये नियम, लेकिन अगर हम भीतर जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि नहीं। तो मैं समझती हूँ पर्सनली नीना पेली डिड अंडरस्टैंड दैट पेट्रियार्की इज द विलन, बट हर फोकस वॉज मोर On the female agony. This is what I could conclude. मैंने रामायण के बहुत सारे अलग अलग interpretations सुने हैं, and the most closest interpretation that I had and the most resonating interpretation that I realized was कि रामायण यह गाथा है करुणा की, जहाँ आप करुणा को समझ सकते हैं, जहाँ आपके अंदर करुणा भाव निर्माण होता है एक राजा के तमाम सैक्रिफाइसेस या उनके तमाम जो भी उनको त्याग करने पड़ते हैं, राजपाट में जो लोग होते हैं उन्हें जिन जिन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ देयर पब्लिक, दैट इज़ व्हाट रामायण एक्चुअली मीन्स। अगर हम पेट्रियार्की के हिसाब से देखें या जो भी आर्की है उसके हिसाब से देखें, तो प्रभु श्री राम इज द आइडियल मैन एंड माता सीता इज द आइडियल वुमन। लेकिन अब इसके ऊपर ये प्रश्न उठता है कि जब आइडियल मैन और आइडियल वुमन को भी इस आर्की ने नहीं बख्शा, या इस आर्की के साथ जीवन व्यतीत करते वक्त जब यह नौबत आई कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, वो दोनों एक दूसरे के सानिध्य में नहीं रह सकते, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, मतलब ऐसे इंडिविजुअली दोनों एक दूसरे से प्रेम करते, लेकिन जब वो साथ में आते हैं तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, या जब वो साथ में आते हैं तो जनता को वो सही नहीं लगता, क्योंकि उनके हिसाब से सीता मैया पवित्र नहीं है, और अगर प्रभु श्री राम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हाउ कम इज ही डूइंग दैट। फिर उससे ये भी कई लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि प्रभु श्री राम जो है वो बड़े महान राजा थे, कि उन्होंने एक प्रजा के एक संदेह के लिए अपने पूरे परिवार को त्याग दिया। सो अब मेरा प्रश्न ये है कि जब आदर्श पति पत्नी को, आदर्श स्त्री और आदर्श पुरुष को जब इस आर्की ने नहीं छोड़ा, तो हम जैसे वो लोग जिनमें इतने सारे खामियां हैं, हम जैसे वो लोग जो आज के तारीख में उस ज़माने से बहुत आगे आ चुके हैं, हम जैसे वो लोग जहां दुनिया ही इतनी बेरहम हो गई है कि हमें और बेरहम होना पड़ता है, वी आर मोर हार्ड कोर ऑन आवरसेल्व्स, वी आर मोर नाइलिस्टिक अबाउट द लाइफ वी आर लिविंग इन, तो ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस में हम कहाँ के बचे। अगर वो लक्ष्मी नारायण के दशावतार में से एक अवतार है, तो क्या उन्हें ये सीख देनी थी कि अगर पृथ्वी पर व्यक्ति को रहना है तो उन्हें क्या उन्हें त्याग त्याग करने पड़ेंगे, या वो ये कह रहे थे कि देखिए आप पृथ्वी के लोगों ने जो संस्थान बनाया है ना उसका ये हशर है, समय रहते ही सुधार लो। राइट, तो अगर मैं मेरे फाइनल थॉट्स बोलूँ जिनको मैंने थोड़ा सा लिख के निकाला था, अगर आप बहुत सारे ओपिनियंस को एक साथ एक ही पर्दे पर चर्चा होते हुए अगर देख सकते हो, देन दैट्स वेरी फाइन। बहुत
कम मूवीज ऐसे मुझे याद है, बहुत डिस्टेंटली मुझे एक ही याद आ रही है एट दिस मोमेंट, विच इज़ रंग दे बसंती, जहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऐसे रखे गए हैं और वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, एंड दैट सीन इज़ नॉट सेड दैट हाउ डेयर ही से दैट, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और इफ़ आई स्पीक फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, सब कुछ छोड़ दो, माँ है, पूरे राज्य की महारानी है, तो जिम्मेदारी है, माँ लक्ष्मी का अवतार है, तो उनके ऊपर एक युग को पूरा पलटांतर करने के लिए जो करुण रस लोगों को समझाने की आवश्यकता है वो समझाया जाए, तो लोगों को करुण रस कब समझेगा, जब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कष्ट आएंगे, दुख आएगा, दर्द आएगा और आपको वो दिख रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब वो करुण रस जो होता है ना कि यार, मतलब वो दर्द भी है और आप परिस्थिति को विवश हो, ये जो स्थिति अगर इसको इम्बाइब करना होगा युगों के साइकिल के अंदर, लक्ष्मी माता को सीता माँ के अवतार में और विष्णु भगवान को प्रभु श्री राम के अवतार में, ये सारी चीजों को अगर मैं साइड में रखूँ और मैं सिर्फ एक औरत की तरह सोचूं, तो मुझे पक्का पता है कि गलत हुआ है। अगर ये आप मुद्दे नजर रख सकते हो कि नहीं, ये एक स्त्री के साथ गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, मतलब अब आप जनता को बोलो, तो जो दुख दर्द कष्ट पीड़ा उस दाम्पत्य ने जो सहे, नहीं नहीं, इफ यू हैव पेशेंस इनफ टू हियर, एंगेज इन एंड लिसन टू नॉट ओनली वेरियस पर्सपेक्टिव्स बट कैन ऑल्सो एम्पथाइज एज अ वुमन हु नीड्स टू बेयर स्क्रूटिनी आइदर ओपनली और सीक्रेटली फ्रॉम सोसाइटी अराउंड द पर्सन शी सो डीपली लव्स, मतलब जिससे मैं प्यार कर रही हूँ उसके बदले में पूरा समाज जो इस तरीके से खाए जा रहा है, मतलब जो कहते हैं ना कि प्रेम के बदले बलिदान देना पड़ता है, ये बलिदान कि मुझे अभी आरोप झेलने पड़ेंगे, मैंने मतलब अपने आप को सिद्ध करने के बावजूद आप मुझ पर आरोप डाल रहे हो, अगर इसके साथ आप एम्पति रख सकते हो, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये कितनी कष्टदायक बात है, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। आई नो इट्स अ गिव एंड टेक ऑफ एम्पति, एक कठोर निर्णय के वजह से जो एपथेटिक चेन ऑफ इवेंट्स हो रही है, जहाँ भावनाएं गई तेल लेने, परिवार गया तेल लेने, फैमिली यूनिट इंस्टीट्यूशन गया तेल लेने, आप बस आरोप ले लो, प्रत्यारोप ले लो, युद्ध ले लो, झगड़ा ले लो, तूने ये किया, तूने वो किया, यही ले लो, तो यही से पृथ्वी पर से स्वर्ग चला जाता है और युद्ध चालू हो जाते हैं। सो हाँ, कंक्लूडिंग थॉट्स में यही है, मैं अलग से क्या बोलूँ उस एनिमेशन को लेकर जिसको इतने सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हुए, लाइक नॉट जस्ट फॉर एन एनिमेटेड फिल्म बट ऑल्सो फ्रॉम अ परस्पेक्टिव अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में मैं अलग से तारीफ करना है लेकिन जस्ट नो पुटिंग अ ड्रॉप इन दी ओशन, बट यस मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डीप था, मुझे काफ़ी सालों बाद ये जो एपिसोड है रामायण का, इसको एक बहुत ही यूनिक वे में देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, एंड या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखने में दिलचस्प हो तो ही देखो, हेट कमेंट्स अगर आपको करने की इच्छा हो कोई ज़रूरत नहीं है, 2 रुपए कम मिल जाएंगे चलेगा, ठीक है, इसको बख्श दो, आपके लिए है भी नहीं वैसे वो मूवी, यू नो हु आई एम टॉकिंग टू, या दैट्स इट। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो अगर नहीं पसंद आया तो आप बंद करके जा सकते हैं, प्लीज़ मेरे ऊपर प्लीज़ कमेंट्स का बोझ मत बढ़ाइए। एनीवेज़